हेलो फ्रेंड्स, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेवन। नाम क्या है उसका? लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्या होती है लागत? वस्तु के उत्पादन में आगतों पर होने वाला व्यय लागत कहलाता है। आगत क्या होते हैं? कारक। आगत का मतलब जिन चीजों को हम वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग करते हैं वो आगत कहलाते हैं। लाइक आप ये स्केच बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? प्लास्टिक यूज करेंगे, इंक यूज करेंगे। तो इसको बनाने में जितना भी आगत लगेगा उन पर जो व्यय होगा वो आपका लागत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लागत कहलाएगा। लागत ये चैप्टर आपके एग्जाम में 4 से 8 मार्क्स का वेटेज ले जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है प्रैक्टिकल। तो 4 से 8 नंबर का है, 4 का भी आ सकता है, 8 का भी। देखो लागत को हम बेसिकली दो तरीके से बांटते हैं, एक होती है स्पष्ट लागत और एक होती है निहित लागत या अंतर्निहित लागत। स्पष्ट का मतलब है वह लागत जिनको हमें बाजार से खरीदना पड़े, उन कारकों की लागत जिनको हमें बाजार से खरीदना पड़े, यानी जिनके लिए हम नगद भुगतान करते हैं। और अंतर्निहित का मतलब है जो उत्पादन का स्वामी खुद अपनी चीजों को अपने व्यवसाय में प्रयोग करता है। लाइक एग्जांपल ले लो, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर इस जगह पर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी खुद की जगह है, तो मैं इसकी किराया तो देने वाला, ये हो जाएगी मेरी अंतर्निहित लागत। लेकिन ये जो स्केच या जो बोर्ड है या जो बिजली का बिल है इसके लिए मुझे पे करना पड़ता है, मुझे नगद भुगतान करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? स्पष्ट लागत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद और आओ, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अल्पकालीन लागतें। मैंने आपको अल्पकाल बताया था, अल्पकाल का मतलब एक कारक स्थिर होता है, एक कारक परिवर्तनीय होता है। तो लागतें भी ऐसी होती है, एक होती है आपकी स्थिर लागत, एक होती है आपकी परिवर्तनीय लागत। स्थिर लागत का मतलब वो लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया या फिर लाइसेंस की फीस हो गई, किराया हो गया। तो ये सब क्या है? ये स्थिर लागत है। इसको हम बोल देते हैं स्थिर लागत को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल बंधी लागत, या शॉर्ट में बोलते हैं TFC। ऐसी परिवर्तनीय को बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि TVC। तो स्थिर का मैंने एग्जांपल दिया, स्थिर का मतलब उत्पादन जीरो हो या अधिकतम हो ये लागतें फिक्स रहेंगी, इसका मतलब ये स्थिर लागत है। परिवर्तनीय का क्या होगा? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लागतें भी बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कच्चा माल या मजदूरी, जितना ज्यादा उत्पादन करना होगा उतना ज्यादा कच्चा माल चाहिए, उतनी ज्यादा मुझे मजदूरी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? स्थिर लागत वो लागत है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, परिवर्तनीय लागत जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ती रहती है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी जो लागत निकलती है उसे कहते हैं कुल लागत। तो TC = TFC + TVC। तो TC निकालने के लिए TFC और TVC को जोड़ देंगे। नेक्स्ट होती है आपकी औसत बंधी लागत, TFC। औसत भाई कहता है TFC को क्यू से आप डिवाइड कर दो। मैंने कहा मैंने कुल किराया दिया ₹1000, मैंने कुल किराया दिया ₹1000, मैंने 50 बच्चे के लिए कौन चल जाएगी?